हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.1 के बारे में, एक्सरसाइज 4.1, इसमें हमने सीखा कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसी होती है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके साथ साथ कुछ इक्वेशंस दी हुई थी, चेक किया कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और कोई सिचुएशन अगर हमें गिवन है, जो गिवन सिचुएशन थी, गिवन सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये हमने एक्सरसाइज 4.1 में सीखा। ठीक इसी तरह से एक्सरसाइज 4.2 में हमने सीखा कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्यूशन फाइंड किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मींस रूट्स फाइंड किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहां पे जो हमने मेथड यूज किया वो फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया, मींस हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करके और उससे फिर सॉल्यूशन फाइंड किया, या फिर यह कहें कि उसके रूट्स फाइंड किए। ये हमने सीखा एक्सरसाइज 4.2 में। साथ ही कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके और फिर उसका सॉल्यूशन किया, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही किया। ये हमने 4.2 में सीखा। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करें सॉल्यूशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके लिए आपके पास यहां पे इस चैप्टर में थ्री मेथड है। फर्स्ट फैक्टराइजेशन, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये हम सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम स्क्वायर कंप्लीट करके, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन वन में हमें मेथड यूज करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, और क्वेश्चन नंबर टू में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है या रूट्स फाइंड करने हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट किस तरह से फाइंड करते हैं ये सीखेंगे हम। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर वन की, तो इसकी जो स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास वो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं
बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और यहां पे इसके फोर पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² - 7x + 3 = 0। सेकेंड पार्ट में 2x² + x - 4 = 0। थर्ड पार्ट में 4x² + 4√3x + 3 = 0। और फोर्थ पार्ट में 2x² + x + 4 = 0। प्यारे बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके फोर पार्ट्स हैं। अब इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, इसका वर्किंग रूल समझते हैं। वर्किंग रूल कहने का अर्थ यह है कि क्या स्टेप्स होंगे। आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपका जो स्टेप फर्स्ट होगा उसमें आपको मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको वन मिलता है। अब जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टू है, तो इसी क्वेश्चन को टू से डिवाइड कर देंगे। इसमें भी टू है, टू से डिवाइड कर देंगे। इसमें फोर है, फोर से डिवाइड कर देंगे। इसमें टू है, टू से डिवाइड कर देंगे। एक स्टेप हो गया। उसके बाद स्टेप सेकेंड इसमें आपको क्या करना है कि एड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इट्स स्क्वायर। आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स के साथ जो लगा हुआ है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके और उसका स्क्वायर करके ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। स्टेप थर्ड में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कि आपको चेक करना है कि आपके पास a² + b² + 2ab आइडेंटिटी बनी है या फिर a² + b² - 2ab आइडेंटिटी बनी है। तो अगर ऐसा कुछ बना है तो आप इसको लिख दोगे परफेक्ट स्क्वायर रूट में a + b² होल स्क्वायर। और अगर ऐसा कुछ बना है तो उसको लिख दोगे a - b² होल स्क्वायर। स्टेप थर्ड ये हो गया हमारे पास। और स्टेप फोर में बस आप इसको सोल्व कर देंगे, आपके पास x की वैल्यूज आ जाएगी। ये आपके पास फोर मेजर स्टेप है यहां पे इस क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने के। सबसे पहला काम x² का कोएफिशिएंट आपको वन बनाना है, जो भी x² के साथ लगा हुआ है कोएफिशिएंट उससे डिवाइड कर दें। फिर x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ उसका स्क्वायर ऐड करना है और सबट्रैक्ट। फिर आपको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और फिर उसके बाद आपको सोल्व करना है। काफी इंटरेस्टिंग मेथड है। देखते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं कि क्या इसमें किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है 2x² - 7x + 3 = 0। अब यहां पे कोफिशिएंट क्या है, x का जो कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहां 2 है। अगर ये 1 होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस 2 की वजह से प्रॉब्लम है। तो हम लिखेंगे कि डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2 वी गेट। तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया,
इस इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 2x बन गया और प्लस यहाँ पे 3 बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे पहुंच गया। तो पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, जहां 2 था वहां कट गया, जहां नहीं था उसके डिवाइड में। अब अगला स्टेप हमारा क्या था, अगले स्टेप में हमसे कहा गया था कि एड और सब्ट्रैक्ट करने हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एक्स का जो कोफिशियंट है उसका हाफ, माइनस 7 बाई 2 है, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 7 बाई 4, इसका स्क्वायर। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एक्स का जो कोएफिशिएंट है माइनस 7 बाई 2 है, इसका हाफ करना है, यानी कि 2 से डिवाइड करना था तो माइनस 7 बाई 4 हो गया। वी गेट क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 एक्स प्लस 3 बाई 2, ये एक बार तो ऐड कर गए। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर करने से माइनस तो खत्म हो जाता है, माइनस 2 का स्क्वायर ये भी 2 होता है और सॉरी 4 होता है और 2 का स्क्वायर ये भी 4 होता है, इट मींस के माइनस 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इक्वली होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे यहां माइनस लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको माइनस को छोड़ दें, माइनस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्केयर कर रहे हैं ना, तो स्केयर करने से माइनस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अब आप देखेंगे ए स्केयर, यहां से हमने ये तीनों टर्म लिख दी, ऐड करना है इसको तो प्लस का 7 बाय 4 इट्स होल स्केयर माइनस 7 बाय 4 इट्स होल स्केयर दैट इज इक्वल टू 0। रिपीट करो, ये जो माइनस था उसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि स्केयर करने से तो माइनस पॉजिटिव ही हो गया ना, वो तो माइनस 7 बाय 4 का स्केयर और 7 बाई 4 का स्केयर एक ही बात है, तो हमने ये ऐसे लिख दिया। अब आप ध्यान रखें ये जो x की टर्म होगी ये आपकी 2ab होगी, ये हमारा ए स्केयर है, रहेगा ध्यान आपको कि ये x स्केयर है वो तो हमारा ए स्केयर है, ये हमारे पास 2ab है और जो हमने ऐड किया है एक, ये हमने जो इसमें एक ऐड किया है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमने ये ऐड कर दिया है ये हमारे पास हो जाएगा बी स्केयर, तो ये हमारे पास बी स्केयर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये हमारे पास बी स्केयर हो जाएगा। अब यहां से आपको आइडेंटिटी बनानी है, इस जगह से आपको आइडेंटिटी बनानी है, ध्यान रखेंगे कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab है तो ये a प्लस बी इट्स होल स्केयर, और अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab है तो ये a माइनस बी इट्स होल स्केयर, तो ये टू आइडेंटिटीज है हमारे पास। अब आप देखिए एक्स स्केयर हमारा ए स्केयर होगा, एक्स वाली टर्म हमारी 2ab होगी और ये बी स्केयर है। अब ए स्केयर ये भी प्लस का है तो प्लस के बी स्केयर, और ये माइनस का है, एक्स स्क्वायर तो हमारा प्लस का है और ये भी हमारा प्लस का है, तो ए स्क्वायर यहां पे अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस की टर्म है और ये हमारे पास माइनस की टर्म है, तो यानी कि हमारे पास क्या क्या बना, हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये आइडेंटिटी बनी। तो इसकी जगह पे इन तीनों टर्म की जगह पे हम ये लिखेंगे, परफेक्ट स्केयर में कंप्लीट करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab हो जाएगा a माइनस बी इट्स होल स्केयर, a हमारा कौन है x, माइनस b हमारा कौन है 7 बाय 4, b हमारा कौन है 7 बाय 4 इट्स स्केयर। ये टर्म और ये टर्म यूज होगी, बच गई कौन सी, एक तो प्लस की 3 बाय 2 माइनस एक ये वाली 3 बाय 2 माइनस तो पहले ही बाहर है और 7 बाय 4 का स्केयर करना है तो ये 49 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो 3 बाय 2 माइनस 49 डिवाइड बाय 16, इसका अलग से एलसीएम ले लो, 16 यहां पे
इकट्ठा करेगा अगर 24 हो जाएंगे और ये माइनस 49 हो जाएंगे, तो ये माइनस 25 डिवाइड बाय 16 है। इसकी जगह पे x माइनस 7 बाय 4 इट्स होल स्क्वायर, इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस 25 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 0। अब x की टर्म एक तरफ हो जाएगी और ये टर्म एक तरफ हो जाएगी, इसको हम राइट साइड में ले आएंगे, इसको हम क्या करते हैं राइट साइड में ले आते हैं, x माइनस 7 डिवाइड बाय 4 इट्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 16, इसको इधर ले आएंगे। अब टेकिंग स्केयर रूट, जब स्केयर रूट करेंगे तो ये x माइनस 7 बाय 4, यहां पे आप प्लस माइनस लगाएंगे, जब स्केयर रूट करेंगे आप तो यहां पे प्लस माइनस लगा देंगे, ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 16 इसका स्केयर रूट। तो x माइनस 7 बाय 4 दैट इज प्लस माइनस 25 का रूट, यहां से 5 मिल जाएगा और 16 से 4 मिल जाएगा। अब आपके लिए आपको क्या करना है, एक बार तो ये सोल्व करना है प्लस के लिए, तो x माइनस 7 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 4, तो x आ गया 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 7 बाय 4, x की वैल्यू यहां पे 4 और ये 5 प्लस 7, तो ये 12 डिवाइड बाय 4, 4 1 पे और ये 3 पे, तो x की वैल्यू आ गई यहां से तो वैल्यू आ गई 3। ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट, फिर हम x माइनस 7 बाय 4 को सोल्व करेंगे माइनस 5 बाय 4, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 5 बाय 4 प्लस 7 बाय 4, एक्स इज ये 4 हो गया माइनस 5 प्लस 7, तो प्लस का 2 आ गया 2 डिवाइड बाय 4, ये 1 पे और ये 2 पे, तो एक्स की वैल्यू आएगी 1 बाय 2। तो यहां पे हमें क्या करना था, रूट्स फाइंड करने थे, तो हम लिख सकते हैं सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, क्या क्या है, एक तो 3 और एक 1 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों सारा जो वर्क डिपेंड कर रहा है इस पे, इसके एप्लीकेशन पे है, अगर आप इस आइडेंटिटी को ठीक से अप्लाई कर लेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, तो ये आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है बस, यहाँ पे यही एक मेन स्टेप है। सेकेंड पार्ट देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा, तो यहां से सेकेंड पार्ट को देखते हैं, स्टेप्स यही रहेंगे, बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 2x² प्लस एक्स माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। देखो कुछ भी नया नहीं आएगा यहां से, आपको क्या करना है, x के अंदर ऑप्शन 2 है तो डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2 वी गेट, x के अंदर ऑप्शन हमें 1 रहा था 2 से डिवाइड कर दिया तो ये x स्क्वायर हो गया। अब देखो ये x डिवाइड बाय 2 है, इसके डिवाइड बाय 2 आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन 1 है, इस टाइम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 1 बाय 2 एक्स हो गया, माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 के डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ एडिंग एड सबट्रैक्टिंग, इसका हाफ 1 बाय 2 है तो 1 बाय 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर वी गेट एक्स का कोएफिशिएंट है 1 बाय 2, इसका हाफ करेंगे तो ये 1 बाय 4 हो जाएगा, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 एक्स प्लस सॉरी माइनस 2, ये तो हमने लिख दिया, प्लस 1 बाय 4 स्क्वायर और माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे ये हमारा ए स्क्वायर, ये हमारा 2ab और ये हमारा बी स्क्वायर, आप देखें ए स्क्वायर भी प्लस का है और ये बी स्क्वायर भी प्लस का है और ये 2ab भी प्लस का है,
ये 2ab भी हमारे पास प्लस का है। तो अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कौन सी एंट्री लग जाएगी फर्स्ट वाली, तो ये a प्लस बी सोल्व स्केल हो जाएगा। a हमारे पास कितना है x और b हमारे पास कितना है 1/4, इट सोल्व स्केल। बाकी क्या बच गया, एक तो माइनस का 2 और एक माइनस 1 डिवाइड बाय 16 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप माइनस 2 और माइनस 1 बाय 16 को अलग से कर लें, ये 16 हो गया, तो ये माइनस के 32 और माइनस 1, तो ये माइनस 33 डिवाइड बाय 16 हो गया। तो यहां पे x प्लस 1 बाय 4 इट्स होल स्क्वायर माइनस 33 डिवाइड बाय 16 दैट इज 0, तो x प्लस 1 बाय 4 इट्स स्क्वायर That is 33 divided by 16। अब taking square root on both side, तो square root करेंगे जब हमारे पास क्या आ जाएगा, x plus 1 by 4 इधर से कट जाएगा और यहां पे हम क्या लगा देंगे plus minus root 33 divided by 16। तो x plus 1 by 4 तो plus minus root 33 तो अलग कर देते हैं और यहां पे 16 से हमें क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो x प्लस 1 बाय 4 को रूट 33 डिवाइड बाय 40 को लिख देंगे और एक बार x प्लस 1 बाय 4 को माइनस रूट 33 डिवाइड बाय 40 को लिख देंगे। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी रूट 33 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 बाय 4, तो x आ जाएगा यहां पे 4 और ये रूट 33 माइनस 1, तो बस इतना ही आ गया यहां पे हमारे पास। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस रूट 33 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 बाय 4, x इज इक्वल टू माइनस रूट एलसीएम इसका कितना आ गया 4 आ गया, तो माइनस रूट 33 और माइनस 1, आप चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये रूट 33 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, दोनों का माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो हम लिख देंगे सो रूट्स आर क्या रूट 33 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 एंड माइनस ऑफ रूट 33 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सेकंड। यहां पे पहले जो आपके माइंड में एक बात आ सकती है कि भाई ये इसको ये ए स्क्वायर देखो ये ए स्केयर ये बी स्केयर ये टू बी कैसे हुआ, इसको ये कैसे लिख दिया इन तीनों में, आप x प्लस 1 बाय 4 को ओपन करके देख ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे क्या होता है x स्केयर प्लस 1 बाय 4 स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय 4। अब आप ध्यान से देखिए x स्केयर प्लस 1 बाय 4 स्केयर प्लस इसके साथ ये 2 कैंसिल हो गया तो x बचा 1 बाय 2 बचा यानी कि 1 बाय 2 एक्स। अब आप ध्यान से देखें x स्क्वायर ये 1 बाय 2 एक्स ये और b स्क्वायर यही तो हमने बनाया है 1 बाय 4 स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए यही हमने बनाया है। हमारे पास a स्क्वायर और 2ab तो है, हमें तो क्या लेके आना है b स्क्वायर लेके आना है, वो कैसे आएगा एड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से, ए स्केयर और 2ab तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें तो सिर्फ बी स्केयर चाहिए परफेक्ट स्केयर में उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सेकंड। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट में हमारे पास इसमें कहा गया है 4x स्क्वायर प्लस 4 और रूट 3x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पे कोएफिशिएंट 4 है, हम लिख देंगे कि डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 4 वी गेट, तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, यहां से भी 4 से डिवाइड होके रूट 3 एक्स आ जाएगा और ये 3 बाय 4 हो जाएगा, ये बन गया। अब हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड
सब्ट्रैक्टिंग, क्या एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा और उसका स्क्वायर, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स प्लस थ्री बाय फोर प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय टू इट्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय टू इट्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। ये ए स्क्वायर, ये टू ए बी और ये बी स्क्वायर, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, सारे प्लस के हैं तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए हमारा है एक्स, बी हमारा है रूट थ्री डिवाइड बाई टू इट्स होल स्क्वायर, और बस गया हमारे पास एक तो थ्री बाय फोर और एक माइनस, ये हमारे पास रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री बनेगा और ये हमारे पास फोर। ये और ये तो चले गए थे, यहां से थ्री बाय फोर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री बन जाएगा और टू का स्क्वायर फोर दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक्स प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई टू इट्स होल स्क्वायर, ये तो आपस में कैंसिल हो गए दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे ये तो जीरो के इक्वल आ गया तो बहुत सारा हो गया, इट मीन्स ये ऐसे हो गया एक्स प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय टू और एक्स प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय टू इक्वल टू जीरो। क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसके टू रूट्स होंगे। अब ये अगर जीरो के इक्वल आ गया तो इसका मतलब दोनों के दोनों इसके जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे, इसके दोनों के दोनों रूट होंगे वो इक्वल होंगे। यहां से सोल्व करेंगे एक्स की वही वैल्यू आएगी, यहां से सोल्व करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। अब यहां से आप क्या करो, टेकिंग स्क्वायर रूट कर दिया हमने तो एक्स प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई टू, यहां पे प्लस माइनस रूट जीरो लिखेंगे तो ये एक्स प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई टू, यहां पे प्लस माइनस जीरो तो एक्स प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई टू दैट इज इक्वल टू जीरो एक बार जीरो के लिए, और एक्स प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई टू एक बार माइनस जीरो के लिए। तो इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं, यहां से भी x की वैल्यू माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई टू आ जाएगी और यहां से भी x की वैल्यू माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई टू आ जाएगी। हम लिखेंगे सो द रूट्स आर, या फिर रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या, माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई टू और माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई टू, क्योंकि ये जीरो हो गया यानी कि दोनों ही रूट इसके कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बोथ दी रूट्स आर इक्वल। ये थोड़ा आगे हम स्टडी करेंगे कि किस कंडीशन में इक्वल होते हैं, किस में अनइक्वल होते हैं और किस में रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये हम आगे स्टडी करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा इससे रिलेटेड बात। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे जो रूट्स आए हैं वो कैसे आए हैं, इक्वल रूट्स आए हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर रूट आया हुआ था लेकिन कुछ भी अलग नहीं आया इस क्वेश्चन में, बिल्कुल हमारे पास ये सिंपल क्वेश्चन था। पहले बच्चों इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, लेकिन वो ट्रिक्स हम बाद में करते हैं, पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर कवर कर लें, एक बार हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, फिर उसके बाद ट्रिक्स से भी किया जा सकता है अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बेटर करने के लिए। तो फिलहाल हम जो बेसिक मेथड होता है उसी से ही चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे क्वेश्चन टू है तो लिखेंगे कि डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय टू वी गेट, टू से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर, यहां एक्स का क्वेश्चन वन है तो ये वन बाय टू एक्स हो जाएगा, टू से डिवाइड करेंगे तो टू रह जाएगा, यहां पहुंच गए, कोई ज्यादा चेंज नहीं है सेकंड और फोर्थ में लेकिन आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। अब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या एक्स का कोएफिशिएंट उसका हाफ वन बाय टू का हाफ वन बाय फोर इसका स्क्वायर, वी गेट तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय टू एक्स प्लस टू वन बाय फोर स्क्वायर माइनस वन बाय फोर स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू जीरो। ये ए स्क्वायर, ये टू ए बी, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि ए प्लस बी इट्स ऑल स्क्वायर। ए है हमारा एक्स और बी है हमारा वन बाय फोर, या प्लस का टू और माइनस वन डिवाइड बाय सिक्सटीन। प्लस का टू और वन का स्क्वायर तो वन, और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये टू माइनस वन बाय सिक्सटीन, इसको अलग से देखे तो ये सिक्सटीन, ये हमारे पास थर्टी टू माइनस वन, तो ये आ गया हमारे पास थर्टी वन डिवाइड बाय सिक्सटीन। इसकी जो वैल्यू आई यहां से हमने अलग से सोल्व कर ली, थर्टी वन डिवाइड बाय सिक्सटीन आई, तो एक्स प्लस वन बाय फोर इट्स होल स्क्वायर, यहां से प्लस की वैल्यू है तो प्लस के थर्टी वन डिवाइड बाय सिक्सटीन दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो एक्स प्लस वन बाय फोर इट्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस थर्टी वन डिवाइड बाय सिक्सटीन। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से सोचें एक बार, कोई भी रियल नंबर है जब आप उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर वो जीरो है तो जीरो आएगा, नहीं तो हर केस में वो वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा स्क्वायर करने से किसी भी रियल नंबर का। देखो हम टू का स्क्वायर करें फोर आ गया, जीरो का स्क्वायर किया जीरो आ गया, जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर किया जीरो पॉइंट टू फाइव आ गया, माइनस थ्री का स्क्वायर किया ये भी नाइन आ गया, ठीक है। तो यहां से वन बाय टू का स्क्वायर किया, माइनस वन बाय टू का स्क्वायर किया, लेकिन ये भी पॉजिटिव हो गया, वन बाय फोर हो गया। तो यहां से आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कर ले वो नेगेटिव नहीं होगा, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो जीरो से लेस हो गया, नेगेटिव हो गया, मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है। लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैनॉट बी नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का, इससे कुछ भी वैल्यू मिलेगी, मिलेगी रियली, तो किसी भी हमारे पास रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे लिखा तो है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, और यही इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट। थोड़ा ध्यान रखना है कि सोल्व करने के बाद जब हम यहां पे पहुंचते हैं तो ये जरूर चेक करना है कि राइट साइड में जो पार्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर अगर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो जाता है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे ही आपका जो कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाती है, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, फिर आपको इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये दोनों आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है। यहां पे जो एक्स का कोएफिशिएंट हम ले रहे हैं उसका हाफ कर रहे हैं, यानी कि जो एक्स वाली टर्म है ये हमारा टू ए बी है। अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर ये नेगेटिव है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।